हमें ये ना आ जाए कि हमें बहुत अच्छा बोलना आता है, हम बहुत अच्छा गाते हैं। आ गया है, जब तक हम छोटे हैं तब तक ही हम इनकी गोद में रहेंगे, तो हमें वो निम्रता बनी रहे हमेशा कि सतगुरु माता जी हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, हम आपकी नज़र में छोटे ही हैं, हमेशा सीखते ही चले जाएं। दासी को एक कोटेशन याद आ रही है, तब सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी गद्दी पे थे, वहाँ पे एक कवि महात्मा थे जो कि बहुत ही सेवादार, हर संगत में उन्होंने आना, प्रॉपर ड्यूटी, हर कविता उनकी मनमोहने वाली होती थी, हर किसी से दाद मिली उनको। उन्होंने एक कविता संगत में बोली, क्योंकि निरंकार पे जब संगत के साथ हमारा रिश्ता गहरा होता जाता है, भक्ति बढ़ती जाती है, तो कनेक्शन इतना गहरा हो जाता है कि हमारे जो वर्ड्स आ रहे हैं कई बार हमें ही पता होता हमने क्या बोल दिया। उन्होंने कहा अपनी कविता में, कौन जन्मा है जो मैनू डुला दे, कि मैं तो इतना कनेक्टेड हूँ, इतना सतगुरु का आशीर्वाद है, वो बाबा जी के साथ ही रहते थे, सबने बहुत तारीफ की कि सच में इतना विश्वास होना चाहिए, कौन जन्मा है जो मैनू डुला दे। ये लाइन सुनने में सबको बहुत अच्छी लगी। दो तीन दिन के बाद संगत में आना था महात्मा ने, वो साइकिल पे आते थे, संगत के लिए निकले, टायर पंचर हो गया, बहुत बुरा लगा कि मैं लेट हो जाऊंगा, चलो पैदल ही चलते हैं। पैदल चले, चप्पल टूट गई, साथ में ही उनका जो ध्यान था डाइवर्ट हो गया, मैं इतनी संगत करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसी परेशानियाँ आती हैं हर बार। और बाकी महात्मा देखो गाड़ियों में जा रहे हैं, कोई बाइक पे जा रहा है, मेरे साथ ही ऐसा करना होता है, संगत पे नहीं गए, रूठ के घर बैठ गए। जब दो तीन दिन हो गए, सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने संदेश भेजा कि महात्मा नहीं आ रहे, उनको बुलाइए वापस। तो अब गुरु का आदेश है तो गुरसिख तो वैसे ही खुशी से हो जाता है कि गुरु का आदेश आया, मैंने जाना है। गए वापस संगत, जो गुस्सा था सारा बह गया। तो बाबा जी ने कहा, आप आए क्यों नहीं तीन दिन, क्या बताते, मैं गुस्सा था? उन्होंने सीधा बोला, जो आपने उस दिन कविता बोली थी वही लाइनें सुनाना मुझे। तो कहते, कौन सी कविता बाबा जी? कौन है जन्मा जो मैनू डोला दे? कहते, कैसे डोले फिर आप? तो सदगुरु ने कहा, आपकी कविता गलत नहीं थी, भाव गलत नहीं थे, लाइनों को चेंज कर लीजिए, वहाँ पे लिखिए, कोई ना जन्मे जो मुझे डोला दे। कोई ऐसा जन्मे ही ना, ऐसा भाव ही ना कभी आए जिससे मैं डोल जाऊँ। तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के कोटेशन थी कि वी ऑल हैव अ फिंगर्स, हमारे पास उंगलियां हैं, अलग अलग हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, इकट्ठी कर लीजिए, बैंड कर लीजिए, तो ये स्ट्रेंथ है, जब बैंड हो गई तो इक्वली खड़ी हैं, तो दिस इज आवर स्ट्रेंथ। जब हम झुक के रहेंगे, इनके आदेशों को मानते चले जाएंगे, तो सतगुरु के प्यारे बने रहेंगे। ऐसी परीक्षाएँ सतगुरु हमारी ना ही हुए, क्योंकि हमें ये हम सबकी समझ से बाहर है, और ना ही ऐसे कोई शब्द मुँह से निकले जो हमें ही ना पता हो कि हम ही ने मांगे हैं। तो दासी आपके चरणों में फिर से बेनती करती है, थैंक यू सो मच सतगुरु की कृपा से हम यहाँ आए हैं, क्योंकि महात्मा जी ने हमें बुलाया है, तो आशीर्वाद देना, जैसे आपने जोड़ा है वैसे ही जोड़े रखना, प्यार से कहना।